ये मैच नहीं है, ये है चैंपियंस का टेस्ट, वीवो आईपीएल का ही सबसे बड़ा फेस्ट, और पूरा भारत हमारे साथ है. सुनील ग्रोवर, कैटरीना कैफ, सलमान खान फ्रॉम द मूवी ऑफ फ्रॉम द मूवी भारत, और हमारे साथ इरफान पठान है. और आज बहुत बहुत मजा आने वाला है इस शो में, क्योंकि आज भारत ना सलमान विभाजित है नीले में और पीले में, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर मुंबई इंडियंस, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखो मैं तो हमारी टीम भारत को सपोर्ट कर रहा हूँ. हमारी फिल्म रिलीज हो रही है 5 जून को ईद पर, तो हम भारत के साथ हैं. और कटरीना मुझे लगता है सीएसके के साथ है, कपड़े वो पहने लेकिन इरादे लगे हैं. अच्छा, इन्हीं से पूछते हैं. मुंबई इंडियंस. मुंबई इंडियंस. मुंबई इंडियंस. क्या बात है, कपड़ों से सीएसके लेकिन दिल. लेकिन ऐसे तो कपड़ों से आप आरसीबी के वाले लग रहे हैं, मगर आज मुंबई इंडियंस किंग्स और पंजाब आरसीबी. जीएसटी जीएसटी पंजाबी हूँ तो मैंने पंजाब ऐसे पहने के लिए. हाँ, लेकिन मैं आज सीएसके सपोर्ट कर रहा हूँ, धोनी सपोर्ट कर रहा हूँ. हमारी जिंटा का टीम का क्या हुआ? वो प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाई. किंग्स 11 पंजाब प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाई. लेकिन आज बहुत बड़ा मुकाबला है, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स. आप तो विलायती हैं, तो चलिए आप ये बताइए कि जो विलायती है, क्योंकि आपके कैरेक्टर का नाम विलायती है भारत फिल्म में. मैंने नहीं सोचा, वो राइटर्स ने सोचा. लेकिन हिंदुस्तान भारत. हाँ, चलिए छोटा सा ये बता दीजिए कि दोनों टीम के 3 विलायती प्लेयर्स को अगर आप बता सकें कौन कौन होंगे. विलायती प्लेयर्स ब्रावो, वावा, इमरान ताहिर. अच्छा, वॉटसन. ओके, 3 हो गए ना, फिर चौथे पे रखी हुई. अच्छा, मुंबई इंडियंस की टीम बना रहे हैं. मिल रहा था जवाब तो हम. सीएसके सपोर्टर हूं तो सारी टीम. मुंबई की भी वो अपना बिट्टू है, उनके घर के नाम बता रहा हूँ मैं. आपको किसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया इस वीवो आईपीएल सीजन, या फिर सलमान खान किस क्रिकेटर के फैन है? देखो मैं धोनी का फैन हूँ. ओके, और मुझे धोनी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है. वो उन्होंने वापस से एक ये जो जेंटलमैन्स का गेम हुआ करता था, वापस से उन्होंने उसी दिशा में लेके आए. उनका कोई अग्रेसिव उनका कोई एटीट्यूड नहीं, एकदम कूल हैं. विकेट भी ले लेते हैं तो वो ज़्यादा शोर शराबा कर यू नो करके दूसरे को ह्यूमिलिएट नहीं करते. इट्स अ स्पोर्ट. So I like that attitude. कप उठाने के बाद भी नहीं करते, वो ऐसे उठा लेते. कप तो उठाते हैं उनके टीम के यंग खिलाड़ी, मगर हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर. सलमान खान, आपके साथ उनकी मुलाकात हुई थी, महेंद्र सिंह धोनी की, वो आपको दिखाते हैं यहाँ पर. क्या बातें हुई थी उस मुलाकात में और किस तरह ये मीटिंग पॉसिबल हुई थी? ये मेरी तो यहाँ पर कोई बातचीत हुई नहीं थी, तो हाय हेलो, और फिर ज्यादा करके बातचीत मेरे फादर के साथ हुई थी धोनी की. और क्योंकि क्रिकेट में माय फादर टेक्स ह्यूज कीन इंटरेस्ट इन दैट, तो अरबाज और डैड ने धोनी को मुझसे एकदम अलग कर दिया कि क्रिकेट के मामले में मेरा थोड़ा सा नॉलेज कम है, क्योंकि मैं देख नहीं पाता बिकॉज आई एम वर्किंग 24/7. या तो ये देखूं या तो मैं अपना काम करूं और हर आईपीएल के टाइम पर एक पिक्चर आके लॉन्च करके जाऊं. पर भारत की शूटिंग के दौरान आप क्रिकेट खेलते काफी रहे हैं. आफ्टर शूट सब देखने में मज़ा नहीं आता, खेलने में मजा आया करता था, लेकिन अब क्रिकेट खेलो और टेनिस एल्बो हो जाए तो वो थोड़ा सा ये 2-in-1 इंजरी है, ये लगातार बल्लेबाजों को होती है. जी, और जिस तरह से आपका हाई एल्बो आता है तो थोड़ा हो सकता है. लेकिन बचपन में आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, जैसे पहले भी हमने बात की थी, सलीम दुरानी जी से आपने कोचिंग भी ली है, तो उसके बारे में अगर मतलब कि इतनी शॉर्ट कोचिंग थी कि आई थिंक दैट सलीम दुरानी साहब को भी याद नहीं होगा कि उन्होंने मुझे कोच किया था. तो वो बेसिकली हुआ था कि मेरे फादर को ऐसा लगा कि मैं शायद क्रिकेटर बन जाऊँ, तो क्या हर स्पोर्ट दो तीन मिनट में मैं पिकअप कर लेता था. जैसे साइकिलिंग है, स्केटिंग है, स्विमिंग है, हॉकी, फुटबॉल, तो हर स्पोर्ट मैं खेला करता था. तो एक दिन डैड ने नीचे देख लिया कंपाउंड में कि ये अच्छा खेल रहा है, तो इसे सीरियसली इनको एक क्रिकेटर बनाओ. कि माय फादर आल्सो यूज्ड टू प्ले गुड क्रिकेट, तो उनका चला था कि मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा. तो 2-3 दिन तो बड़ा मज़ा आया. सुबह से उठ के गए खार जिमखाना के अंदर, फिर तारीफ हुई तो डैड आए देखने के लिए. तो मेरे ये बात आई थिंक मैं होऊंगा करीबन 14.5-15 साल, अबाउट 14. तो उस वक्त ही मुझे समझ में आ गई कि ये मेरी लाइफ, मैं अपनी लाइफ को कहीं और लेके जाना चाह रहा हूँ, और ये मेरी लाइफ अनजान में कहीं और किसी अलग दिशा में जा रही है. कि सुबह को उठो 4:30-5 बजे, जाओ क्रिकेट खेलो, नेट प्रैक्टिस करो, उसके बाद स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ो लिखो, फिर वापस आओ, फिर वापस से प्रैक्टिस पर जाओ. तो ऐसे वो अब वो टीनेज के अंदर आ गए थे, तो बाकी किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए
आपने ही जिंदगी जी है राइट. बिल्कुल बिल्कुल. सुबह उठना सुबह तो एक्चुअली जो एक्टर लोग रहते हैं, सलमान भाई भी लास्ट डे जब आए थे हमारे पास तो बता रहे थे 18-18 घंटे शूट करते हैं. लेकिन बिल्कुल बहुत ज्यादा आपका हैक्टिक शेड्यूल रहता है. लेकिन एक सवाल में शूट करते थे तो सलमान सर जाते थे बिग बॉस का शूटिंग करने के लिए, वापस फिर वापस आते थे टीवी का शूट करके, फिर अगले दिन सुबह वापस शूट पे आ जाते थे. वेरी हेक्टिक शेड्यूल्स विदाउट स्लीपिंग. और शेड्यूल की बात की तो अब कटरीना से भी एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा. आरसीबी की ब्रांड एम्बेसडर थी अगर 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था वीगो आईपीएल, तो उसके बारे में अगर आपकी कोई याद है आईपीएल से जुड़ी हुई. हम आई हैव वन वेरी स्पेसिफिक मेमोरी ऑफ I think I just got to learn a lot about the game. I got to see the kind of energy that you get when you're in the stadium. I got to see the kind, the reason why people become so obsessed with the sport and why they enjoy it so much. It just, you get to see it firsthand and you feel that energy. And you're on the edge of your seat, you know, during the whole game, you're right there on the edge of your seat. और आपके कोई favourite? ना खेलती भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा है. Squealing पे. हमने देखा भारत के shooting के दौरान आप लोग खेल भी रहे थे. एक वो वीडियो जो आपने देखा, एक वीडियो जो नहीं देखा, जो कि नहीं देखा, नहीं 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 जो नहीं देखा, वो मैंने खुद ने, वो मैंने सुनील अगर इसमें कुछ कमेंट्री अगर आप कर सके फटाफट से. जी नहीं, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पिछली बार शॉट मारा था, फील्डर ने कैच पकड़ भी लिया था, और समझ नहीं आ रहा कि बैडमिंटन खेल रही है कि क्रिकेट खेल रही है. लेकिन हर गेंद आप देखिए ग्राउंड के बाहर जा रही है, सेफ पोजीशन के अंदर. और ये देखो, ये देखिए, ये देखो कितना टैलेंट है इस लड़के में. अगर अभी भी खेलना शुरू कर दे तो ये बाप रे किसी भी टीम के छक्के छुड़ा दे. आप बताइए, without any prejudice, I'm doing well, don't you think so? Yeah, not bad at all. देखिए सलमान भाई तो बहुत बरसों से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने बाद में पिकअप किया तो not bad. What he's trying to say is that you're hitting better than me. Not bad. अच्छा आपने चूज करना थोड़ा सा लिखा क्रिकेट खेलना मतलब. नहीं इन्होंने सब कैच दिए. अच्छा सब आउट ऑफ ब्लॉक, सब आउट आउट, और फ्रस्ट्रेशन में और जोर से मारी जा रही थी और लेकिन बॉल दुग्गी से ज्यादा आगे नहीं गया. और आपकी फेवरेट क्रिकेटर कैटरीना, वीगो आईपीएल इंडियन टीम. I think I would also say Dhoni actually. Mm-hmm. Yeah. और आज धोनी खेल भी रहे हैं लेकिन आप सपोर्ट कर रही हैं मुंबई इंडियंस को. I'm supporting the team but if I have to pick one particular cricketer आजकल I would think that it would be Dhoni. He has a very nice temperament for really the same reasons. I think his temperament is really nice. He's very humble. He's very, very peaceful. Mm-hmm. He's just a very nice person to be around. And I think he's a really inspirational sportsman as well. Oh, absolutely. I think he's a great example to, you know, all the young players. And I think he's amazing. चलिए अभी यहाँ पर हम लोग एक गेम खेलते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग बहुत सारी इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में. तो एक क्विक गेम यहाँ पर हो जाए. अब जब कटरीना कैफ हो साथ में तो इंटेलिजेंट बातें तो करनी पड़ती हमें. चलिए यहाँ पर हम लोग खेलने वाले हैं क्विक शराद्स. क्या क्विक शराद्स? क्विक शराद्स. कौन भारतीय कौन विलायती. हम आपके सामने कुछ इमेजेस लेकर आएंगे और वो इमेजेस हमने एक भारतीय खिलाड़ी की और एक विदेशी खिलाड़ी की साथ में जोड़ी है. कुछ खूबसूरत चेहरे हमारे सामने आने वाले हैं. एक एक करके बताइएगा. शुरुआत करते सलमान आपसे. अब तीनों मिलकर अगर आप बता सके तो और इंटरेस्टिंग होगा. टीम भारत इज गेसिंग एक्चुअली ऑल द. हां, जिसको भी आंसर पता है वो ताली बजाए और फिर गेम और मजेदार होने वाला है. ऑलराइट. हां, यहां पर स्क्रीन पर आपके सामने आने वाली ये है पहली पिक्चर. धोनी एंड अखिल साउथ कैरेक्टर है ना. अखिल धोनी एंड क्विंटन डिकॉक. चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है. राइट आंसर देख लेते हैं यहाँ पर. क्विंटन टैरेंटिनो था ये. धोनी एंड क्विंटन डिकॉक. नॉट बैड. वाह. ऑलराइट, एक और तस्वीर आपके सामने. चलिए दूसरी तस्वीर दिखाते हैं आपको. मलिंगा एंड सुरेश जैना. क्या बात है. शायद ये सही जवाब है. सही जवाब जान लेते हैं यहाँ पर. कौन है ये. एंड द राइट आंसर इज मलिंगा एंड सुरेश जैना. काम इनका यही है. ये सिर्फ यही खूबसूरत चेहरे देखते रहते हैं, मिलाते रहते हैं इनका रात भर. इनका शौक है, इनका शौक है. ये रात को सब ये चेहरे लेके आते हैं. मेरा फेवरेट अकेले में सन्नाटे में ये देखते अप्रिशिएट करते हैं, छूते हैं चेहरों को और अपने कॉम्बिनेशन का एक चेहरा बनाते हैं. सर आपको पता है वो प्रोग्राम आता था टीवी पे, इनमें एक खास क्वालिटी है जिसके अंदर आप अकेले होते हैं, जीत सकते हैं, मोबाइल फोन जीत सकते हैं. बताइए ये चेहरा किसका है. आप जीत सकते हैं. रेफ्रिजरेटर तो है. मैंने रेफ्रिजरेटर से जीता है.
थोड़ा और आने दो, ब्रिंग इट ऑन. हम चाहते हैं कि इस बार सलमान और कटरीना ट्राई करें. 30 सेकंड्स बाद आप हेल्पलाइन ले सकते हैं. फुल कॉन्फिडेंस. ये बताइए, ये तो वो केप टाउन का वो लड़का है. इमरान तारिक 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 हाँ. और ऊपर है भावों के बालों और बालों से भी नहीं, क्योंकि इनके साथ बाल बहुत आगे हैं इनके ऑफिस से. हाँ, तो आप सही जा रहे नीचे का तो मैंने आधा 50% मैंने गेस कर लिया. वो बाकी भी गेस कर लिया मुझे लगता है. आई थिंक इधर कहाँ है भाई. रोहित शर्मा रोहित शर्मा ने ऐसे क्यों किया हुआ है. मुझे लगा आपने नहीं पहचान लिया था. ओके, बट नॉट बैड. चलिए ये सलमान एंड केदार. सलमान सर की फोटो ऊपर नीचे. केदार आपके बहुत बड़े फैन हैं. मुझे मिले थे अभी. गेस कर लिए क्योंकि मैं इनको जानता हूँ. क्या बात है. अगर क्रिकेटर में कोई सलमान खान के अगर सबसे बड़े फैन है तो केदार जाधव. और धोनी साहब ने नहीं मुझे इनसे मिलवाया था घर घर. आपकी मुलाकात हुई है केदार से. जी 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 हाँ. काफी बार हुई है. सुपर किंग्स के लिए. जी 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 वेरी. और धोनी ने ही मिलवाया था मुझे. इंजरी हो गई थी ना अभी पिछले. जी 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 बिल्कुल. तो इस वजह से वो इस मैच का मुकाबला नहीं. सिंपल, बहुत अच्छा लड़का है. सिंपल लड़का है. वेरी अनअज्यूमिंग. वेरी गुड. देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स के सलमान आप फैन हैं, सुनील आप फैन हैं, लेकिन आपके जैसी क्यूट एक और फैन है चेन्नई सुपर किंग्स की. नाम है उनका जीवा. उनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, दिखाते हैं आपको. माय पापा इज द बेस्ट और मैं उनकी फेवरेट. लव यू जिंदगी. मुझे बहुत मजा आता है. और फिर मैच के बाद पापा की उंगली पकड़ के ग्राउंड पर जाना मेरा सबसे फेवरेट टाइम होता है. हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे चल दे. पापा कितना बिजी रहते हैं फिर भी मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं. कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल. कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं. इंशाल्लाह पापा मुझे सिखाते हैं फिर मैं सबको सिखाती हूँ. हमारी सीएसके फैमिली भी इतनी बड़ी है. हम सब ढेर सारे फ्रेंड्स हैं. मैं ग्रासिया हिनाया विलियम जिब्रान हमने खूब मस्ती की और पापा भी हमारे साथ बच्चे बन गए. हमने साथ में ईस्टर भी मनाया. खूब मजा आया.